सभी को मेरा जय जगत। मेरा सवाल गांधी जी के और बापू के संघर्ष से तो सभी लोग परिचित हैं, जो उन्होंने देश के लिए किया बल्कि पूरे विश्व के लिए किया, तो ऐसा क्या कारण है कि उनके संघर्ष को उनके नाम को केवल स्वच्छ भारत मिशन तक ही सीमित कर दिया गया? क्योंकि सत्ता में वो लोग हैं जिनको उनके विचारों से डर लगता है, सत्ता में वो लोग हैं जो उनके हथियारों के विचार के साथ खड़े हैं, इसलिए बाहर की सफाई पे वो बात करते हैं, भीतर की सफाई से डरते हैं। अगर भीतर की सफाई हो गई तो उनके अंदर से खोखलापन बचेगा और दुख भी बचेगा। सवाल सर, कोई पूछ रहा है उसके बाद सही रहेगा, पहले शुरू कर चुके हैं जी। बस सर, मैं अभी जो अश्विनी चोपड़ा जी हैं पंजाब केसरी के मालिक अभी नहीं है, उनकी एक किताब पढ़ रहा हूँ आजकल, इट्स माय लाइफ, तो उसके अंदर उन्होंने गांधी जी का भी जिक्र किया, नेताजी का भी जिक्र किया है और लाला जगत नारायण, हम लोग को इतिहास नहीं मालूम है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करेंगे? जैसे आपने कहा अहिंसा, और जो नेताजी की फिलॉसफी थी तो भारत को जो अपने को आजादी मिली, तो उनका सबका रोल इक्वली। मैं नेताजी का एक बड़ा खूबसूरत कोट आपको बताता हूँ। जापान में उनसे पूछा गया कि आजादी की जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं इसके बाद आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा इसके बाद मैं दिल्ली पहुंचकर महात्मा जी के चरणों में बैठ जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि हिंदुस्तान को आप जैसे चाहिए वैसे चलाइए। और जब मैं अहिंसा को बताते हुए ये बता रहा था कि अहिंसा मजबूतों का अर्थ है, तो पूरे जोर से कहिए मजबूती का नाम महात्मा गांधी। एक 80 साल का बूढ़ा जब अंग्रेज शासन के सामने खड़ा होता है तो किसी मजबूरी में नहीं अपनी आत्मा की मजबूती से खड़ा होता है। जिन्होंने मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा है उन्हें पलट के जवाब दीजिए। जिन्होंने अपना एमफिल और पीएचडी जेएनयू विश्वविद्यालय से किया, जो पिछले 16 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में पढ़ा रही है, वो राजस्थान के एक दलित समुदाय से आती हैं और उनकी जाति की वो पहली महिला है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध कार्य है वो दलित साहित्य, दलित महिला लेखन, अमेरिकी साहित्य और सबर्टन साहित्य के ऊपर है। और सबसे अच्छी खूबी ये देखिए कि उन्होंने पढ़ने के बाद अपने जैसे प्राइवेट सेक्शन की बच्चियों को नहीं भूला, उनके शैक्षणिक उत्थान के लिए आज वो दो सफलतापूर्वक दो यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। एक बार गांधी का एक कोट है जो हम सब जानते हैं, जो कहते हैं कि गांधी कहते हैं कि मैं कोई भी फैसला करते वक्त ये देखता हूँ कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को क्या फायदा मिल सकता है। तो हम अंजू जी से जानने की कोशिश करते हैं कि गांधी जी का जो अछूत जाति है, अस्पृश्य जाति है, जो इस देश से देश के समाज में बहिष्कृत जाति है, उसके दर्द को लेकर के उनका जीवन अनुभव गांधी का क्या था, वो विस्तार पूर्वक हम जानते हैं अंजू बुरावा जी से। Respected speakers, all the audience and dignitaries who are here, thank you so much for giving me this opportunity. Dr. Chandrika Uyarpanda is a great friend. And I thank you all. The topic which I have chosen is a deliberate one. And I did little research also
और बहुत सारे सवाल हमारे समाज में उठते हैं जब हम गांधी जी के एफर्ट्स को अछूतों के लिए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि क्या तो शायद हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक फॉरम रिसर्च अगर हम करते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आज मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं उन चीजों को सरफेस पे लाऊं, ऑथेंटिसिटी के साथ, गांधी जी की राइटिंग के साथ और उन कांग्रेस सेशंस के साथ जो कांग्रेस सेशंस हुए और उसमें किस तरह का जो हमारे फैक्ट्स है, डाटा है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं कि गांधी जी का जो एफर्ट था अछूतों के लिए वो किस तरह का था। और मैं शुरुआत करती हूँ इसमें सबसे पहले गांधी की जीवनी से, और उसमें कुछ तीन चार टॉपिक्स हैं जो कि भी मैंने ट्रांसलेटेड पढ़ा है, गुजराती मुझे नहीं आती तो मैंने जो पढ़ा है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। व्हाट इज टू बी अ कुलीग और ये दर्द कैसा है कुलीग का। अ वेरी स्ट्रिंजेंट इनएक्टमेंट वाज पास्ड इन द ट्रांसफॉर इन 1885। इट वाज लाइक द अमेंडेड बिल 86 एंड इट वाज प्रोवाइडेड अंडर अमेंडेड लॉ दैट ऑल इंडियंस शुड पे अ टोल टैक्स ऑफ फी सर्विंग as far from location set apart from that. And there was an Asiatic society in which it was prohibited for all the Indians who were residing in Africa that after 9 o'clock they could not go outside. The way he set rule for untouchables in India. So he is facing the lived experience that how an untouchable in India is facing same kind of exclusion and how he is feeling. The further in his right from his writings only, there is a sanitary reform and a famine relief. The chapter which is there, where he says the charges have often been made that India was solely in the habit of and did not keep his house and surroundings clean. These were the ideas. The ideas say Africans say, yeah, वहाँ पे जो गोरे लोग थे, उनके ये थे कि भारतीय ज़्यादातर अपने घरों को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, अपने आसपास की चीजों को भी गंदा रखते हैं, और इस तरह से कुछ कानून बना दिए थे जिसमें स्पेसिफिकली आप जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, एक कार्ड आपको रखना पड़ेगा, जिस तरह शूद्रों के गले में हांडी डाल दी जाती थी, पीठ के पीछे झाड़ू होता था। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस है और ये मैं उनकी जीवनी से ही पढ़ रही हूँ, बहुत सारा है, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद कुली लोकेशंस और घेटोस, सम ऑफ द क्लासेस व्हिच रेंडर अस द ग्रेटेस्ट सोशल सर्विसेज बट व्हिच वी हिंदूज हैव चूजन टू रिगार्ड एज अनटचेबल्स आर रिलेटेड टू रिमोट क्वार्टर्स ऑफ द टाउन एंड दे आर कॉल्ड एज घेटोवाड़ो एंड नेम हैज एक्वायर्ड अ बैड कलर। सो दीज आर द references which we are using here for untouchables, the same references are used outside India and Gandhi is living, Gandhi is passing through these experiences. And there is who's of third class passenger. We all know that when he got a ticket of first class and he went into the first class bogie, he was taken out, thrown out from there. There are a number of other instances where I would categorically say that what Congress was doing, even 1970, 1917 में कांग्रेस का उसके आगे 1919 तक, क्योंकि 1919 में आगे आगे गांधी जी ने कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया था और कुछ ऐसे एक्ट किए थे जो कि एक डेट ऑर्गेनाइजेशन या एक मियर इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से एक लिव्ड और एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना था। और उसमें मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। 1917 की घटना है। This Congress urged upon the people of India the necessity, justice and righteousness of remove all disabilities imposed by customs upon the depressed classes. The same word is being used by Ambedkar also. So there are a number of instances, there are a number of speeches which are being delivered from the Congress platform where they are talking to remove disabilities and that they are giving. Now there is one more important thing. 1919 के बाद 1924 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तिलक स्वराज फंड एक बहुत प्रैक्टिकल और एक जनता की नस को पकड़ने वाला काम था। आप चार आना दीजिए और कांग्रेस में शामिल हो जाए। इससे पहले
कांग्रेस में शामिल होते होंगे, लेकिन ये चार आना क्या फर्क ले आया? लाइक फोर आना इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, उस वक्त हो सकता है बड़ा हो, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि आप कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकते। जो फोर आना उन्होंने इकट्ठा किया था और इस तरह से जो टोटल फंड हुआ था, मैं बताती हूँ आपको, 1922, 1923 और 1923 तक आते आते ये अमाउंट था 1,24,77,082 रुपए। ये जो अमाउंट है, चार आना दे के आप कांग्रेस के मेंबर बन जाइए और चार आने के बाद ऐसी क्या क्रांति होने वाली है? इसका फायदा ये हुआ कि जो कांग्रेस एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, जो कांग्रेस एक मीटिंग करते थे, कुछ रेजोल्यूशन पास करते थे और फिर वो उम्मीद करते थे कि ब्रिटिशर्स कुछ चेंज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांधी जी ने इसमें बड़ी हलचल मचा दी और हलचल क्या थी, चार आना के आधार पे लोग आते हैं और एक बड़ा फंड इकट्ठा होता है और उस फंड का फायदा ये हुआ कि जहां कहीं आप पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हर जगह ट्राइबल मूवमेंट्स होता है, एसोसिएशंस होते हैं और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जा करके उनको अस्पताल में भर्ती कराते हैं जहां लड़ाई होते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, उनके लिए छोटी सफाई करते हैं, काम करते हैं और इससे जो कांग्रेस अब तक कहीं पहुंच नहीं पा रही थी वो हर आदमी के, हर इंसान के साथ चली गई और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। मैं थोड़ी थोड़ी बात पढ़ूंगी यहाँ पे, जैसे कि 1921 में 25,000 रुपीज का जीवन कोटा, उसके अलावा 1921 में 6 नवंबर 1921 को 1,000 रुपए दिए थे डिप्रेस्ड क्लासेस के मिशन के लिए, जिसमें कि क्योंकि उस वक्त के जो अनटचेबल्स थे, जो अछूत थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। जैसा मैंने पढ़ा इसमें कि कई दिनों तक नहाएंगे नहीं और मतलब जो कंडीशन थी, सोशल कंडीशन वो बहुत खराब थी और वो सोशल करिए या इम्पोज करिए, और उसने कांग्रेस ने क्या किया, कुछ एक टर्म पीरियड में फंड रिलीफ किया जिसमें कि उनको बेटर लाइफ स्टाइल दी जाए, बेहतर जिंदगी बनाई जाए और एक नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। उस नेशनल स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है कंपल्सरी, उसमें दाखिला दिलाना है। उसके अलावा 17,381 अंतिजा कल्याण अहमदाबाद में ग्रांट दी गई और उसके अलावा 5,000 रुपए दिए गए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अहमदाबाद में, 10,000 रुपीज दिए गए। ये मैं सारी इवेंट्स आपको बता रही हूँ। 15 मई 1922, 15 मई 1922। इसके आगे आप पढ़ेंगे तो 2 जून 1923 को 3,000 रुपीज टू द इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रमोशन ऑफ टेम्परेंस इंटर कम्युनल यूनिटी, 28 फरवरी 1923 और 10,000 रुपीज फॉर द डिफरेंट क्लासेस वर्क द तमिल देश प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी। और ये जो छोटा छोटा फंड था, उस फंड ने असल में लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना शुरू किया। अब कांग्रेस जो है एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप नहीं था, कांग्रेस कुछ लोगों की बातचीत का फोरम नहीं था, कांग्रेस लोगों के साथ पहुंचता है, उनके लिए सफाई करता है, उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं और एक रियल लाइफ चेंज आता है। और गांधी जी ने सबसे बड़ी बात जो मैं अपना एंड नोट आपको बताऊंगी कि वो भविष्य कैसे है, उसके अलावा मैं कुछ इवेंट्स पढ़ के सुनाती हूँ आपको। हरिजन अखबार था, उसने 18 फरवरी 1933 को टेम्पल मंदिर खोल दिए गए थे, कुएं खोल दिए गए थे और उसके अलावा स्कूल एस्टेब्लिश किए थे और एक बहुत डिटेल में है, आप चाहेंगे तो मैं आपको ये नोट्स दे सकती हूँ। और 15 जुलाई 1933 में जो हरिचंद पब्लिश हुआ था, एजुकेशनल फैसिलिटीज वेर गिवन और उसके अलावा बहुत सारा देखेंगे कि किस तरह से अनटचेबल्स को टच किया था और अनटचेबल्स की लाइफ को चेंज किया था। बहुत सारे ऐसे डाटा मिलते हैं जिसमें कि टोटल पॉपुलेशन जो कि अनटचेबल्स की पॉपुलेशन थी उसको कैलकुलेट किया गया, उसके आधार पे रिफंड रिलीज किया गया और उसके बाद उनका अपलिफ्टमेंट का काम किया गया। ये काफी सारा इसमें है और कुछ घटनाएं जो मैं आपको बताऊंगी ये गांधी जी की अपनी ही राइटिंग से है, क्योंकि गांधी लिटरेचर इतना ज्यादा है और
जरूरी है इस वक्त मेंशन करना. The arrival of दारू भाई was a signal to storm. असल में एक अनटचेबल थे जिनको गांधी जी ने अपने आश्रम में ले लिया था और उनके आश्रम में आने से बहुत मुश्किल हो गई. जो लोग साथ में रह रहे थे वो नाराज हो गए, जो लोग फंड दे रहे थे आश्रम में वो भी नाराज हो गए, पैसा आना बंद हो गया. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कस्तूरबाई भी नाराज हो गई, कस्तूरबाई एकदम नाराज हो गई कि इनको आपने कैसे ले लिया. तो उसका एक छोटी सी घटना में पढ़ के सुनाती हूँ. The arrival of Dalubhai was the signal for storm breaking upon the pleasant atmosphere of ashram. And I do not call that. And finally, उन्होंने कस्तूरबा को ये कहा कि अगर आपको लगता है तो आप आश्रम छोड़कर जा सकती हैं, लेकिन दालूभाई आश्रम से नहीं जाएंगे. और वो ये भी लिखते हैं, कि एक पत्नी से अलग होने का दर्द बहुत गहरा है, लेकिन जो समाज के प्रति मेरा कमिटमेंट है मैं उससे पीछे नहीं हट सकता. ये सारी राइटिंग्स में आप देख सकते हैं. और इस तरह से गांधी का जो सोशल रिफॉर्म था, जो कास्ट को लेकर उनकी बात थी, वो लिखी है, एविडेंट है और आप इसको देख सकते हैं. जैसा कि मुझसे पहले सर ने बताया कि गांधी जो है वो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो करते भी थे. और उसमें क्योंकि मेरा एक्चुअली लेक्चर बहुत लंबा है, टाइम आई जस्ट डोंट वांट टू सिट टाइम, तो मैं फाइनली लास्ट टाइम ये कॉन्क्लूड करती हूँ. हाउ गांधी कुड बी फ्यूचर. और आप में से काफी मैं यंगस्टर को देख पा रही हूँ, देयर आर मेनी यंग पीपल एंड मैं भी बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें पढ़ती हूँ. व्हेन आई फील डिप्रेस्ड और समथिंग, सो आई जस्ट बाय दिस बेस्ट सेलर एंड देन आई रीड इट. अब मैं आपको दो किताबों का जिक्र करूंगी, वैसे तो बहुत सारी, बट दीज टू बुक्स आर वेरी पॉपुलर, बहुत फेमस है. दोनों किताबें आप में से पढ़ा भी होगा, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बुक है. जिनको पैसा कमाना है वो जरूर इस किताब को पढ़ते हैं. उसके पेज नंबर 56, 57, 58 पे आप पढ़िए. और वो क्या कहते हैं, नेपोलियन हिल क्या कहते हैं, गांधी हैज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ फेथ दैट व्हिच द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर ऑन अर्थ कुड नॉट एंड नेवर विल अकॉम्प्लिश थ्रू सोल्जर्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट. ही हैज अकॉम्प्लिश्ड द अस्टाउंडिंग ऑफ इन्फ्लुएंसेस 200 मिलियन माइल्स टू मूव इन यूनिसन एज अ सिंगल माइंड. और एक बहुत वेरी फेमस राइटर रॉबर्ट ग्रीन, जिनके की कुछ बुक्स बड़ी फेमस है, 48 लॉज ऑफ पावर, 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर, दिस 50th सेंट एंड लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, इज अ वेरी पॉपुलर राइटर. आप गूगल करिए, यूट्यूब पे देखिए इसे. एंड व्हाट ही सेइंग, देन आई रियलाइज इट्स समथिंग बिगर. आई नो व्हाट ही सेड, ही सेज दैट Can you believe that a country of this much population, where people are literally struggling to manage their two time food, दो टाइम का खाना मैनेज करने में लोग स्ट्रगल करते हैं, आपको लगता है कि वो सब इकट्ठे होकर के और अंग्रेजों का सामना करेंगे और सब आके अंग्रेजों की सत्ता को गिरा देंगे? ये बहुत मुश्किल था. गांधी को पता था कि मेरी जनता तलवार भला नहीं खा सकती, मेरी जनता इतनी मजबूत भी नहीं है कि जाके लड़ लेगी. तो उन्होंने क्या किया, दो हथियार अपनाए, ऐसे ही नॉन कॉपरेशन एंड डिसऑबिडियंस, कॉपरेट ही मत करो और बात ही मत मानो. अब आप सोचिए, इतने मास लेवल पे जब आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो सरकार का क्या हाल होगा, कोई नहीं मिल सकता. और यही एक वेपन था, और यही वेपन था जिसने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया. यही वेपन था जब अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट चलता है, तो जो सिविल राइट मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनको ये था कि इफ यू हैव टू इन्फ्लुएंस, इफ यू हैव टू फाइट, यू हैव टू टेक दोस पीपल जो बहुत गरीब है, जो जनता है, उन्हें साथ में लीजिए और तभी आप ये लड़ाई लड़ सकते. So, there are number of instances and I would request my youngster friends to read the authentic material. Before we speak, I think we should read a little. And here I end my note. Thank you so much.
सभी का आदर सम्मान के साथ मैं पूछना चाहता हूँ, मैडम विद्वान हमारे बीच है, मंच पे उसी साहब है, हमारे सीनियर एडवोकेट है, मैं पूछना चाहता हूँ जैसा मैडम वेपन्स के बारे में जो रेफरेंस करके बात कर रही थी, हमें कौन सा ऐसा वेपन्स लेके आए कि जो हम अहिंसा पे चलते हुए बेबड़े आप देखे आज के जो हालात है, रोज मृत्यु हो रही है, कोविड के नाम पे हो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हो, अनटचेबल के नाम पे, हमें वो कौन सा वेपन लेके आए कि जो ये सरकारें कर रही है आज के टाइम, कब तक हम बर्दाश्त करें, कब तक अहिंसा में चलकर इनको छुटकारा दिला सकते हैं, रोज मौतें हो रही है, सरकार क्या कर रही है, मगर हम लोग अहिंसा में चल कर किस तरीके से शंकर समझ सकते हैं, ये मैं चाहता हूँ। क्योंकि आज डे बाय डे जो आप देख रहे हैं किस तरीके से सरकारें कर रही है, कोई तो सुनने वाला नहीं है, जो बोलता है उसे जेल में डाल देते हैं, जो कुछ कहता है उसको अटैक कर देते हैं, ये संघर्ष कब तक चलेगा। महात्मा गांधी जी ने तो देश आजाद करा दिया, मगर इन अंग्रेजों से, तो हमारे देश के अंग्रेज हैं, इनसे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, आप विद्वान लोग व्यक्ति के घर से मौतें होंगी, मैं आपका सवाल समझ गई। सर छोटा सा जवाब है कि हमारे देश में पढ़ने की संस्कृति इतनी प्रभावी नहीं है। आप अपने गली मोहल्ले में छोटी सी छोटी लाइब्रेरी बनाइए, पढ़ने की आदत डालिए बच्चों में, ऑथेंटिक लिटरेचर, कौन क्या कर रहा है, सत्ता क्या कर रही है, उसको सबसे बड़ी चुनौती हम दे सकते हैं जब अपने बच्चों में हम ऑथेंटिक लिटरेचर पढ़ने की आदत डालें। हम सब यहाँ बैठे हैं, क्यों ना एक प्रण करें कि सोने से पहले 5 मिनट ही सही एक पेज पढ़ के सोएंगे, और फिर आप देखिए ये धीमी क्रांति होगी लेकिन ये बहुत सशक्त होगी, क्योंकि अमेरिका की क्रांति में लाइब्रेरीज का बहुत बड़ा रोल रहा। मैं इसका थोड़े अलग तरीके से जवाब देना चाहूंगा। आपने गांधी से बात शुरू की तो पहले तो ये बताइए गांधी ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी और उसकी तुलना में अभी हमने कितने साल लड़े, पहला। और दूसरा कि आप पलट लीजिए, आप सोचिए कि आप अहिंसा से नहीं हिंसा से मुकाबला करेंगे, फिर जो रिप्रेशन होगा उस रिप्रेशन को आप कितना झेल पाएंगे, अगर इस रिप्रेशन को जेल में डाले जाने को, 2 साल साल भर जेल में रहने को और बाकी सारी चीजों को आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रिप्रेशन हो रहा है, तो हिंसा का जो रिप्रेशन होगा, सड़कों पर जो गोलियां चलेंगी, लाशें गिरेंगी, तो उसमें आप कितना बर्दाश्त कर पाएंगे ये देख लीजिए। तीसरी और आखिरी बात, मैं अभी तक मानता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, जनता को जगाइए, जनता के बीच में हम जाएंगे। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, लेखक होने से मुझे बिल्कुल छुटकारा नहीं मिल जाएगा। जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जगाएंगे, उसको अपने साथ खड़ा करेंगे। हम गांधी तो नहीं है लेकिन हम सब मिलकर छोटे गांधी बन जाएंगे, वो जनता हमारे साथ आएगी तो ऐसी सरकारें करक पाएंगे। देखिए सर, गांधी एक बहुत पॉपुलर आइकन है, गांधी बहुत पॉपुलर आइकन है, आप छोटे से बच्चे से भी पूछिए चश्मा और वो समझ जाएंगे। तो उसको जो यूज किया जा रहा है जिस किसी फॉर्म में हो, क्यों ना हम एक ऑथेंटिसिटी के साथ, और पब्लिक अगर सोशल मीडिया है तो उसका अल्टरनेट मीडिया भी है, उसका अल्टरनेट क्रिएशन भी है, आपको गूगल यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म देता है, क्यों नहीं आप सब मिलकर अपना यूट्यूब चैनल चलाएं और एक नई मुहिम शुरू करें। जो सामने दिख रहा है हम उसको बोल रहे हैं, लेकिन हम एक अल्टरनेट खड़ा कर सकते हैं।
सब लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाएं और उसमें बात शुरू करें, एक हफ्ते में आइडियाज आने लग जाएंगे।